नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोरोना काल में बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया। क्रिकेट बोर्ड ने तय किया है कि श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 मैचों में वो प्लेयर नहीं खेलेंगे जो अगस्त महीने में इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेल रहे होंगे। बिना विराट कोहली के, बिना रोहित शर्मा के, बिना जसप्रीत बुमराह के टीम इंडिया अगर किसी दूसरे देश में सीरीज खेलने जाए तो सोचिए क्या हाल होगा। लेकिन इस बार ऐसा ही होने वाला। लगभग एक ही वक्त में टीम इंडिया दो अलग अलग देशों में खेल रही होगी। एक तरफ जहां विराट, रोहित, बुमराह जैसे खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की तैयारियों में जुटे होंगे, वहीं उसी वक्त वनडे और टी20 के एक्सपर्ट खिलाड़ी श्रीलंका में अपना जौहर दिखा रहे होंगे। पहली बार इंडियन क्रिकेट में इस नए एक्सपेरिमेंट का ऐलान खुद बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने किया। सुनिए दादा ने क्या बोला। हमने जुलाई में सीनियर टीम के लिए सीमित ओवरों की सीरीज की प्लानिंग की। श्रीलंका में ये टीम टी20 और एक दिवसीय सीरीज खेलेगी। ये व्हाइट बॉल के एक्सपर्ट्स की टीम होगी जो इंग्लैंड दौरे पर गई टीम से अलग होगी। जानकारी के मुताबिक श्रीलंका टूर पर टीम इंडिया को 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलने। ऐसे में इस दौरे के लिए टीम इंडिया शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल को मौका मिलना लगभग तय, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जो इंग्लैंड दौरे पर नहीं होंगे। दरअसल बीसीसीआई की मुश्किल ये है कि अगस्त में शुरू हो रहे इंग्लैंड दौरे पर मुख्य टीम इंडिया को जल्द जाकर तैयारी शुरू करनी होगी, क्योंकि वहां क्वारंटीन नियम बहुत सख्त है। ऐसे हालात में श्रीलंका से तुरंत इंग्लैंड जाकर क्वारंटीन नियमों को पूरा करना मुश्किल। इसीलिए बीसीसीआई ने दो दो टीमों को आजमाने का लक्ष्य बनाया। टीम इंडिया को इंग्लैंड में 4 अगस्त से 14 सितंबर के बाद 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली। उम्मीद जताई जा रही है कि उसके बाद बाकी के आईपीएल मैच भी वही होंगे। ऐसे में बीसीसीआई के पास ये अच्छा मौका भी है कि वो अपने बाकी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को उससे पहले ही श्रीलंका दौरे पर आजमा लें।